ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ये तो महिषासुर देवाय नमः। जेनावलीपुर राजवास छाड़ी एठी तपस्या करिवार उद्देश्य कौन? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नारायण नारायण दानव पुणी तपस्या निश्चय निश्चय एठी गोटे अघटन घटबार अच्छे जाए ये संवाद देवता मानू शुणी दे आसे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र समुद्र मंथन पर अमृत पान कर देवता माने अमर हो जाइछन्। केवल सेतिकि नै इंद्रदेव ऐरावत हस्ती आ उच्चेश्वर अश्व हम स्वर्ग राज्य शोभावर्धन करूछन्। तरुण देव समुद्र मंथन रे आ एक अपूर्व दान पारिजात पुष्प आ कि सुंदर कि कोमल देखिले मनो प्राण भरी उठे। मो मतरे समुद्र मंथन सर्वश्रेष्ठ दान रंभा नारी तार अपूर्व नृत्य भितर अमरावती आनंदर लहरी खेली जाइए। नारायण नारायण नारायण। आसंत देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। से आनंदर लहरी आउ बेसी दिन खेलबनी सुरपति ये परी कहीं कहते देवर्षि। प्रबल प्रतापी महिषा ब्रह्मा बर पाइबापी दीर्घ काल तपस्या आरंभ करदे। तपस्या तपस्या करू से देवगण चिंता करिवार कौन अच्छे? नारायण नारायण नारायण। अच्छी अच्छी बाबा इंद्र तुम्हें मैंने तो अमृत खाई अमरावती अमर हो निश्चित बसी जाइच। हेले से जब ब्रह्मा बर पाई अमरत्व लाभ करे तुम मान दशा कौन हम थोड़े चिंता कर तबे उपाय उपाय। नारायण नारायण नारायण। मूलू मारे जीव सरी दानव संगे किंपा करी। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र नारद जहाँ कहीगले अक्षर अक्षर सत दानव मानक हेयज्ञान करवा आद उचित नुहे। आमको जेकोसी उपाय तार तपस्या भग्न करने को पड़ो किंतु यह संभव हेब किपरि? चिंता करनी देवगण मु यार उचित प्रतिकार विधार करी। केते दिन आसन शून्य पड़ी थी दानव श्रेष्ठ महिषांग बिना आम राज्य आज श्रीहीन हो जाइए। ठीक कथा कह संभव मुझे से अनुभव करुच्ची दानव राजा अनुपस्थिति आम समस्त को म्रियमाण कर दे। हाँ निसंभव तांको बिना राजपुरी ए असूच्य ए संपद सबकि तुच्छ परिमाण हो। दानव राजंकर शून्य सिंहासन को चाहिला मात्रे मो बक्ष विदीर्ण हो जाऊँगी। जेनावलीपुर प्रजा माने दानव सम्राट फेरिया पथ को काकुस्थ नयन चाह रही कहारी मुखरे आनंदर उल्लास देखा किंतु समस्त जानी रख दानवकूलर मंगल पाई दानवराज महिषा कठोर तपस्या मग्न रही से तपस्या सफल हेले आम्भे माने सौभाग्यमंडित होगा किंतु केबे क्यों दिन तांकर तपस्या सफल हो रक्तबीर्य तांको बिना महाराणी चंद्रावती अस्थिरता दिनक दिन बढ़ी चली तेरे आस महामंत्री को आम समस्त अनुरोध करवा से महाराणी को बुझे कहे ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः दानवराजंग तपस्या अंत नहीं निकांचन एकाकी केते कष्ट पाउथिबे केते जंत्रणा भोग करुथिबे किंतु मु तांको दुखे रे भागी हे पारु नहीं देख मते महामंत्री अंधक महाराजा फेरी आसी तपस्या सफल होती दानवराज दीर्घ अनुपस्थिति जे आपण हृदय को विदारित करिछि मर्मे मर्मे अनुभव कर किंतु 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 पुणी कौन महामंत्री आपण को आनंदित कला भली संवाद वर्तमान मो पाखे ना महाराणी महाराजा फेरी आसी ना तपस्या सफल ना ना से दुश्चिंता मन को आनंद ना दानवराज तपस्या निश्चय सफल हो महामंत्री ऐश्वर्य मरीचिका भितर एका एका मुझे दिन एमती निर्जीव जीवन जापन करी धैर्य हरा हूँ ना महाराणी निराशार अंधकार मध्य दिने ना दिने शुकर चंद्रमा उदय हो प्रतीक्षार अवसान घटे किंतु महामंत्री प्रतीक्षा जी उपेक्षा रूपांतरित हुए मु कहि सृष्टि तपस्या भली पुण्यकर्मर कि महत्व ना आपण चिंताधारा मो उद्वेग को किसी मात्रा प्रशमित करिछि सत किंतु यह क्षणस्थायी नुहे तो महत कार्य विलंब स्वाभाविक महाराणी देखिए दानवश्रेष्ठ महिषा तपस्या सफल होई अचिरे प्रासाद को फेरी आसिबे आपण को मुख निश्रुत वाणी सत्य हे महामंत्री आपण विश्राम करंतु मुझे आसुचु महाराणी ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम रे दुष्ट दानव तोर तपस्या को मुझे सफल हवा को देवी ना भाविछु ब्रह्मा ठार बर लाभ करी अमर हबु ना केबे नुहे यही मुहूर्त तोर तपस्या भग्न करी ते मु चाली पड़ी भस्म करदेवी मोर समस्त दैवी शक्ति गोटाए इच्छार दान मो निकट में पराजित है ना। मु देवराज इंद्र एते सहजरे पराजय स्वीकार करी ना। मोर मोहिनी शक्ति प्रयोग करी दानवर तपस्या भग्न करी। ब्रह्मदेवाय नमः। उर्वशी तम रूप रस छंदरे दानवर तपस्या भग्न कर। ब्रह्मदेवाय नमः। मधुरे मधु बसंत जाए गोपति। मधुरे मधु बसंत जाए गोपति। सरागे सजाई अछि, सरागे सजाई अछि सजल प्रीति। मधुरे मधु बसंत जाए गोपति। मधुरे मधु बसंत जाए गोविंदी। थाम जौवन तुम बिहुने धन वृथाम जौवन। कला कजल आखि हेला मनिरे माखी। कला कजल आखि हेला मनिरे माखी। विरह जले झरी पड़े झौली नीति। विरह जले झरी पड़े झौली नीति। मधुरे मधु बसंत जाए गोविंदी। मधुरे मधु बसंत जाए गोविंदी। मोर तनु सर मारे अतनु। बिरहे मोर तनु सर मारे अतनु। कंपई घन घन ए मोर पवन। कंपई घन घन ए मोर पवन। बिरसे सार नाम मधुबासर राति। बिरसे सार नाम मधुबासर राति। मधुरे मधु बसंत जाए गोविंदी। मधुरे मधु बसंत जाए गोविंदी। जाए गोविंदी। जाए गोविंदी। अमरावतीर रूपसी कन्या उर्वशी मत विफल हेले ताहले उपाय जाए स्वर्गपुर देवता मान सहित परामर्श करी एहार उचित प्रतिकार विधान करी। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव पुत्र। केवल पुत्र को यशस्वी करी आपण कौन समग्र सृष्टिर कर्ता बोली निजक प्रतिपादित करें। पुत्र जश कामना करवा पितार धर्म। हेल्ले आपण जे केवल नारदर पिता नुहंती ए जगतर पिता। एपरि अभिमानर कारण आपण सृष्टिर जने पुत्र आपण को दर्शन करने पर दीर्घकाल तपस्या करुची। आपण कौन ताकू यशस्वी करेनि। तमें क्या कथा कहवाक चाहो पुत्र? दानवराज महिषा से कौन आपण को दर्शन कर सौभाग्य पाइबना तार तपस्या कौन सफल है पिता महिषार तपस्या कथा मन पकाई मोर अंतर दुख को उज्जीवित कर मत मोर माहत करना पुत्र हूँ जे निरुपाय। नारायण नारायण आपण निरुपाय कहीं पिता अतीत से क्षमता लिप्स पुत्र मान को बरदान कर तिक्त अनुभूति मुझे तो भूली पार ना अनुभूतिर दुआई दे आपण कौन आपण कर्तव्य को भूली जाए पिता भूली पारना बोली तो दुख पाऊँ कर्तव्यर निगढ़ बंधन में बंदी हो मु काले काले देवता मानकर कटु समालोचनार सम्मुखीन हो तेबे कौन आपण भक्त आ भगवान पवित्र संपर्क को छिन्न करदेवा चाहती ना ना मोर उद्देश्य ताहा नुहे पुत्र तेबे आपण भक्त मान तपस्या को देवता माने बारंबार भग्न करने को कहीं चेष्टा कर दानव महिषा कौन आपण सृष्टि जड़े पुत्र नुहे से कौन आपण को दर्शन करने योग्य नुहे पिता तुम जुक्तिर गुरुत्व मु उपलब्धि कर पुत्र मत टे चिंता करने को समय दि सृष्टिकर्ता निष्पत्ति सृष्टिर मंगल कर आशा नहीं मु फेरी जाऊँगी पिता। नारायण 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 दानव श्रेष्ठ महिषा एथर आखि खोली मते दर्शन कर चतुरानन नमो ब्रह्म सनातन हे चतुरानन नमो ब्रह्म सनातन चरणे गली शरण कर कर परित्राण हे चतुरानन हे चतुरानन जानिनी मु जोग साधि जानिनी मु पूजा विधि चाही बसी अछि खाली तुमको हे निरवधि मु तुमार तुमे मोर मु तुमार तुमे मोर मन कथा एका जान हे चतुरानन नमो ब्रह्म सनातन चरणे गली शरण कर कर परित्राण हे चतुरानन हे चतुरानन भक्त महिषा मु तुम तपस्या संतुष्ट अहो भाग्य ए दिन अकिंचन आपण दर्शन लाभ करी आज धन्य होईची। वत्स महिषा तुमर कठोर तपस्या मो मनर समस्त द्वंद्व को दूरीभूत कर एथर मनोभीष्ट वर प्रार्थना कर हे सृष्टिकर्ता हे परमेष्टि सतरे आपण करुणार भंडार जदि मो प्रति संतुष्ट होती तेबे मते अमर वर प्रदान करी मोर तपस्या को सफल करंतु। बस मु निजे मध्य अमर नुहे तुमको अमर वर प्रदान करी किपरि अन्य वर प्रार्थना कर हे कमलासन तेबे मते यही बर दियो मु स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनिपुर जय करी हेबी त्रिपुर विजयी। ए विश्व ब्रह्मांडरे काहारी हस्तरे मोर मृत्यु हेब नाही, मु हेबी अजय अमर। तथास्तु आशीर्वाद करूछि वत्स, तुमे सर्वजयी हो। किंतु मन रख वत्स, विवस्त्रा नारीर दर्शन मात्रे तुमे बल शून्य होई जिवो, आ तारि हातरे तुमर मृत्यु अनिवार्य। मु आसुछि वत्स। सामान्य गोटे नारी हातरे मोर मृत्यु असंभव। ब्रह्मांक बररे अमरत्व लाभ करिथिबा दानव श्रेष्ठ महिषार मृत्यु पुणी सामान्य गोटे नारी हातरे असंभव। असंभव असंभव। महामहिम त्रिपुर विजयी दानव श्रेष्ठ महिषासुर दरबार को विजय। दानवराज आपणकर शुभागमन आम मान प्राण में नूतन उन्मादना सृष्टि उपस्थित रे ए राजसिंहासन सौंदर्य शतगुणे वर्धित हो। दानवराज आपण आगमन रे प्रजाकुल आज आनंद उल्लसित हो उठुंट। से आनंद निर्घोष रे चतुर्दिग प्रकंपित हो। बहु दिन तपस्या आज मोर सफल हो। ब्रह्मांकठर बर पाई मुझे अमर अजय। देव दानव नर नाग किन्नर कहारी हाथ मोर मृत्यु नाही। स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर जय करवा मो पक्ष आज असंभव नुहे। एथर देख देख शुंभ निशुंभ मोर नाम शुणा मात्रे स्वर्गर देवता माने भयर थरहर हो प्रमाद गणवे। केवल प्रमाद गणवे नुहे दानवराज, देवता माने आपण पाद तले कृत दास हे रहिबे। आपण अंगुली निर्देश को करपत्त जोड़ी चाहि रहिबे। हा दानवराज, महाबली शुंभ जहा कहिले ठीक। से समय आउ बेसी देरी नहीं। आपण ब्रह्मांक बररे बलियार यथा शीघ्र संभव स्वर्ग मर्त पाताल जय करी आपण त्रिपुर विजय नाम धारण करंतु। दानवराज प्रथमे स्वर्ग आक्रमण पर प्रस्तुत हूँ। प्रथमे स्वर्ग? हाँ दानवराज, प्रथमे स्वर्ग जय करी इंद्रर अमरावती को अधिकार करने मर्त्य और पाताल जय करने बेसी समय लगे नहीं। स्वर्ग राज्य सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ राज्य, इंद्रप्रद सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ सम्मान। केवल सेति नुहे, देवराज इंद्र हेउचंदी दानवकुलर प्रथम शत्रु। ताको स्वर्गर विताड़ित कर इंद्र सिंहासन अधिकार कले देवता माने बड़े बड़े आसी आपण निकट में शरण पशि। महाबली शुंभ निशुंभ तुम्हें माने मोर सहायक हेले मु यही मुहूर्त रे देवता मानक स्वर्ग पर आक्रमण करी अमरावती को छारखार कर देबी। स्वर्गपुरे पशि आणिबा छड़ाई इंद्रपुरी करी छारखार। स्वर्गपुरे पशि आणिबा छड़ाई इंद्रपुरी करी छारखार। देवलोक ठारू नागलोक जाए, देवलोक ठारू नागलोक जाए भयरे होइबे थरहर। स्वर्गपुरे पशि आणिबा छड़ाई इंद्रपुरी करी छारखार। रूपरे कपट आचरी आमठू अमृत नहीं थिले हरि। मोहिनी रूपरे कपट आचरी आमठू अमृत नहीं थिले हरि। भोगिबे एथर पराभव तार, भोगिबे एथर पराभव तार। ध्वंस हेब आजि स्वर्गपुर। स्वर्गपुरे पशि आणिबा छड़ाई इंद्रपुरी करी छारखार। Ha 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 ha! धन्य धन्य वीर महिषासुर इंद्र सिंहासन बसी आप अतुल ऐश्वर्यर अधिकारी हे आपण दानवकूल अमरावती भोग करी धन्य हेबे। आसन 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 प्रणाम। ए जेनावलीपुरर सर्वकुशलता हाँ देवी किंतु अकस्मात आपण आसवार उद्देश्य? नारायण नारायण उद्देश्य तो किसी नुहे। आकाश मार्ग रे जाऊ जाऊ शुणिली यही गोटे कौन युद्धर आयोजन चली भाविली एते दिन पर महाबली महिषा राजधानी दे जाते टिके साक्षात कर बुझीदे आसे ये युद्ध पुणी का विरुद्ध रे देवतांको विरुद्ध रे। नारायण नारायण मो स्वर्ग आक्रमण करी देवराज इंद्र ठू इंद्रपद छड़े आनी मोर परानंद करने मो संकल्प करी देवर्षि। नारायण नारायण केवल इंद्रपद एते बड़ आयोजन? हाँ देवर्षि से देवता माने अमरावती को भोग करें ना मुझे तार अधीश्वर। नारायण नारायण करी पण हे विधि नंदन लाभ करी मु इंद्रपद इंद्रर विभव हरिवि सरव होइब से मोर पदानत करी पण हे विधि नंदन लाभ करी मु इंद्रपद इंद्रर विभव हरिवि सरव होइब से मोर पदानत कि लाभ होइब कह तुच्छा इंद्रपद पाई कि लाभ होइब कह उच्चे श्रवैरावत उच्चे श्रवैरावत जही शोभा पाए नहीं कि लाभ होइब कह तुच्छा इंद्रपद पाई कि लाभ होइब कह पारिजात रंभा नारी अभावे तो राजपुरी पारिजात रंभा नारी अभावे तो राजपुरी दिशु अछि हतसिरी दिशु अछि हतसिरी कहिली तोते बुझाई कि लाभ होइब कह तुच्छा इंद्रपद पाई कि लाभ होइब कह। तबे सुनंतु सुनंतु देवर्षि जे पर्यंत से दुराचार इंद्र निकटरू से चारि द्रव्य मु आनिछि से पर्यंत मु निश्चिंत हेबि नाही एहा मोर त्रिवार सत्य। ध्रुव सत्यवाणी शुणी थाओ मुनि निश्चय मु आनी भी से दरब न आनी पारिले इंद्र संपत्ति छाड़ी देवी मोर राजपद। नारायण नारायण ध्रुव सत्यवाणी शुणी थाओ मुनि निश्चय मु आनी भी से दरब न आनी पारिले इंद्र संपत्ति छाड़ी देवी मोर राजपद। ऐरावत हस्ती जड़े बुड़ाई निश्चय ताहाकु मारी भी मुझाई ऐरावत हस्ती जड़े बुड़ाई निश्चय ताहाकु मारी भी मुझाई अनले दही भी उच्चे सभा अस्प अनले दही भी उच्चे सभा अस्प वीरपण देवी छटाई। पारिजात हार नदेवी पिंधाई इंद्राणी गलारू आणी भी छिंडाई पारिजात हार नदेवी पिंधाई इंद्राणी गलारू आणी भी छिंडाई सुधर्मा सभारे रंभा में नकार सुधर्मा सभारे रंभा में नकार नृत्य गीत आउ हेब नाही। नारायण नारायण कहीं घन घटार पश्य बाबू एते युद्ध रक्तपात हणाहणी वृथारे कहीं कर गोटे सूक्ष्म उपाय बतई दूची मो कथाटी मान। कि उपाय देवर्षि? बासव निकट को पत्र लेख रंभा नारी पारिजात पुष्प उच्चस्रवा अश्व ऐरावत हस्ती यही चारि पदार्थ आनी तुम पादतल समर्पण करू आहु जदि से अवमानना करे तार कर्मफल सी भोग। हेले सामान्य गोटे पत्र रे देवराज इंद्र कौन से चाड़ी पदार्थ मते फेरई देबो? नारायण नारायण सामान्य चिठी प्रबल पताबे महिषा लिखिबे ताकू पुणी अवमानना करिवे देवराज इंद्र। दानवराज मु किंतु देवर्षि नारदन कथा एकमत नु। देवराज इंद्र दानव कुलर परम शत्रु ता उपरि गर्भ देवतर गर्भ भांगिबे तेले केवल मात्र गोटे चिठी यथेष्ट नुहे। नारायण नारायण वीर शुंभ निशुंभ तमने जानी रख शत्रु सहित मित्रता आचरण करी कार्य सिद्धि करिवा बुद्धिमतार परिचय। किंतु यदि देवराज इंद्र आमर प्रेरित पत्र को प्रत्याख्यान करे सेइथिपाई तो कहउची आमे बाहुबल रे देवता मानन ठारू आमर प्राप्य वस्तु छड़ाई आड़ीवा। नारायण नारायण बाहुबल अपेक्षा बुद्धि बल काले काले श्रेष्ठ मो कथा मानी अमरावती की दूत पठाओ बुथारे काहे की दंड करिवो। बेस तेबे देवर्षि को उपदेश को सम्मान जणई देवराज इंद्र निकट को पत्र लेख। नारायण नारायण देव जणे आउ नेव जणे मोर भाई कौन आवश्यक अच्छी मुझे आसुची दानवपति। नारायण 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 सुन शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीर्ज धूम्रलोचन यही मुहूर्त में देवराजेन्द्र निकट को पत्र लिखि दूत हाथ में प्रेरित कर। हाँ मन रख एक लिखा भूल ना से दुराचारी इंद्र जदि पत्र अनुसार कार्य न करे ताहले ताकू इंद्र सिंहासन विताड़ित करी अमरावती को समूले ध्वंस करि देबी। देखी मो आश्चर्य हली मोर समस्त दैविकुट प्रयोग कली तथापि तथापि दानवर तपस्या भग्न हेला नाही। शेषरे शेषरे उर्वशी मध्य विफल होई परि आछिले। तेबे कोन महिषासुर तपस्या रे ब्रह्मांगडर बर पे अमर होई जीव एतिरे अब संदेह रहला केउटी परुण देव किंतु किंतु मो बुझी पारु नाही सुरपति दुष्ट दानवर क्रूर तपस्या रे संतुष्ट होई देवता माने काहे की बर प्रदान करंती आ बर मुहूर्त रे सेही देवता माने ही दानव द्वारा निर्यातित होती यही तो भाग्यर विडंबना मात्र। भाग्यर विडंबना कहले समस्या समाधान हेब नहीं धनपति आमको यार उपयुक्त प्रतिकार करिबा उचित। प्रतिकार आउ कि प्रतिकार ब्रह्मा तो बर दे सारी महिषा तो अमरत्व लाभ कर सारी ताले ताले महिषा जे कोन से मुहूर्त स्वर्ग जाय युद्धर आह्वान दे पारे। जानी रख चंद्रदेव महिषासुर स्वर्ग आक्रमण कले यही युद्ध ही हेब देव दानवर अंतिम युद्ध आमर ये गर्व ही आमर सर्वनाश कारण विपद जे अवसंभावी तेणु वृथा दंड सृष्टि न करी आमको आसन्न विपद सम्मुखीन होगा पड़े। देवराज इंद्र को जेनावलीराटा महिषा दूतर प्रणाम आसबार उद्देश्य महामहिमा महिषासुर आपण को निकट को पत्र लिखि पठाई कौन लेखा अच्छी से पत्र रे पाठ कले समस्त अवगत हेबे। देवराज निजे पाठ करी सुनाओ। मुही जेना बड़ी राट महिषा आहे बास बोले की देली भाषा मोर आदेश अन्यथा न हेबो भाषा पढ़िण सिरे लगाइबो। अभय भय न करिबु बेगे आदेश मोहर पालिबु पठाइली चार तुम पाखकु देई देव चारि द्रव्य आमकु। अप्सरा माल पारिजात दुष्टे सभा ओ हस्ती ऐरावत नुहे एसबु तोर आउ योग्य एहा होइब एबे आम भोग्य। नव्य मान घेनी संगते दंते तृण धरी भेटरे मते आदेश को मो करिले अन्यथा पाई पूरे शास्ति इंद्र जानी था। तब तो हो दूत ब्रह्मर पाइला परे महिषर मस्तिष्क विकृति घटी ता नहले देवराज इंद्र निकट को एपरी पत्र लिखा से साहस कर न था। देवराज दानव श्रेष्ठ महिष प्रति एपरी वाक्य उच्चारण करी राजोचित सम्मान अमर्यादा करंतु नाही। दूत महिषासुर ए पत्र लिखा आगु तमर ताकू ए उपदेश दबार उचित थिला। उचित अनुचित विश्लेषण करिवार अधिकार मोर नाही देवराज। मु दानव श्रेष्ठ महिषांकर आज्ञा बहमा। तेरे जाओ दूत महिषासुर को कह दियो ब्रह्म नारी पारिजात पुष्प उच्चस्रवा अश्व ऐरावत हस्ती ए सबू देवता मानक भोज्य एथिरे महिषासुर कौनसी अधिकार नहीं। देवराज वृथा आस्थान करंतु नाही। ए चारि पदार्थ रे असुर मानक पूर्ण अधिकार अछि। महिषांक आदेश मानि नियंतु अन्यथा घोर विपदर सम्मुखीन हेबे। जबर दूत अनधिकार वाक्य उच्चारण कले उपयुक्त शास्ति भोग करे। अमरावतीर मंगल चाहूथिले बिना युक्ति दानव मानकर प्राप्य पदार्थ को फेराई दियो। प्रणव बंद कर दूत। इंद्र सभार मर्यादा भंग करी तू जो अपराध करचु तार एकमात्र शास्ति प्राणदंड। मत हत्या करी दानवराज महिषांक क्रोधाग्नि रे घृत ढालिबा को दुस्साहस करंतु नाही। देवराज स्वर्ग राज्य ध्वंस होई जीवो केही रक्षा पाइबे नाही। रसना संजोग कर प्रगट भदूत यही वज्रहीन तते उपयुक्त शास्ति प्रदान करिबो। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। एक और कौन बासव दूत जे काले काले अवध्य। हाँ विदीसुत किंतु एपरी एक अबाध्य दूत को बध करी मो कौन सी भूल करी नाही। नारायण नारायण। भूल ठीक हिसाब अल्प समय मध्य जना पड़ किपरी महिषा दूत को बध करी महासंकट को आपे आपे बरण कर बासव। देवर्षि रागे होई अंधा कल दूते बाद नीति अनीति नहेजिल। रागे होई अंध कल दूते बाद नीति अनीति नहेजिल। शास्त्रर वचन लंघिय कारण देवकूले कला बोलिल। रागे होई अंध कल दूते बाद नीति अनीति नहेजिल। कत कथा भाड़ी सोचना करिले आउ की फेरिब जेते जत्न कले। गत कथा भाड़ी सोचना करिले आउ की फेरिब जेते जत्न कले। दूत अपमाने गोपीब दानव ए कथा की मनु भूलिल। रागे होई अंध कल दूते बाद नीति अनीति नहेजिल। ब्रह्मावरे दुष्ट बलियान होई धराटा कुसरा समान मणई। ब्रह्मावरे दुष्ट बलियान होई धराटा कुसरा समान मणई। अमरावती रे असुर पशिबे जाणु जाणु एहा कलहे। रागे होई अंध कल दूते बाद নীতি অনীতি নহেজিল শাস্ত্রর বচন লঙ্ঘিয় কারণ দেবকুলে কলা বলিল রাগে হই অন্ধ কল দূতে বাদ নীতি অনীতি নহেজিল। दानव महिषर औधत्य को भांगी चूरमार करदेवाको मोर ए वज्र ही यथेष्ट। केवल महिष नुहे इंद्र, तार सेनापति चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीर्ज धूम्रलोचन से माने कम दुर्दांत नुहति बासव। आमे सेमानक मध्ये भय करना रे बसी। दानव महिषर शक्ति जेते प्रबल हेले सुदा देवतांकर मिलित शक्ति सम्मुख रे निश्चय हार मानिबो। नारायण नारायण ता तो मु जानि छी। हाँ, देखा जाओ हले ना परिचय ते। नारायण 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 आस देव आमे समस्ते मिलित ही दानव महिष विरुद्ध रे युद्ध पाई प्रस्तुत हवा। महारानी चंद्रन को मुखरे विषादर छाया कौन किसी अघटन घटी ना स्वामी तेबे सुनिले देवराज इंद्र को दूत पठे ठीक शुणी स्वर्गर से रंभा नारी पारिजात पुष्प उच्चस्त्र ऐरावत हस्ती ए सब दानव मान देवता मान भोग करेंगे कहीं तेणु से सब द्रव्य फेरे देवाई मु इंद्र निकट को पत्र लिखी स्वामी से सब द्रव्य आमर कौन हम आमर कौन बा अभाव अच्छी देवता सहित द्वंद्व करी काहे को अशांति को वर्ण करुछ। मोर दृष्टता मार्जना करंतु दैत्यराज। महामंत्री अंधक कौन है असमय कि संवाद दुस्संवाद दैत्यराज दुस्संवाद कौन है से चारि द्रव्य सहित दूत फेरी ना महाराज से दुराचारी इंद्राम दूत को हत्या करी। महामंत्री दुराचारी इंद्र मोर प्रेरित दूत को हत्या करी। ओह कि घोर अपमान आउ इंद्र भाग्यर अमरावती नहीं। सुन सुन महामंत्री अंधक काली प्रभात रे मो स्वर्ग पुरा आक्रमण करी। तुम जाओ मोर सेनापति मानू मोर युद्ध यात्रार संवाद जनै दियो। आपणकर आदेश शिरधार्य दत्तराज। मो सान को कथा मान स्वामी काले काले देवता माने दानव मान को पदानद कर रखी। तुम स्तब्ध हो चंद्रा। तुम मन थाए जपरी राज कार्य हस्तक्षेप करने अधिकार तुम नहीं। मु दानव श्रेष्ठ महिषा मो संकल्प मुले निवृत्त हेबी नहीं। काली प्रभात स्वर्ग आक्रमण कर सिद्धांत नहीं माने युद्ध अवश्यंभावी। नारायण नारायण मु कौन देखुची स्वर्गर अमरावती आज रणभूमि रे परिणत होईची। एपटे दानव मानकर स्वर्ग जय पाई रणहुंकार आउ अन्यपटे देवता मानकर आत्मरक्षा पाई प्राणमूर्छा उद्यम। देखा जाऊ किए जीतुची आउ किए हारुची। नारायण नारायण रे रे भीरु देवगण का पुरुष परी रणक्षेत्र पलायन कले भाविच महिषा कबल रक्षा पाई ना असंभव। आज कहारी निस्तार नहीं। काहीं से दुराचारी इंद्र महिषार दूत को निधन करिवार प्रतिफल भोगिबो आज। काहीं से दुराचारी इंद्र सावधान दर्पिष्ट दानव। क्यों दर्परे तू देवराज इंद्र सहित द्वंद्व करने को साहस करिछु। साहस साहस तो वीरत्वर परिचय। ए देख देख मूर्ख बासव देवता माने किपरी आत्मरक्षा पाई विकल चित्कार करू महिषासुर सम्मुखरे छिड़ा होई वृथा आस्फालन करूछु। सामान्य केतक देवता पराजित करी निजर वीरत्व गरिमा बखाणुछु किंतु रे मूर्ख दानव तू ए पर्यंत इंद्र शक्तिर परिचय पाई ना। देवराज के तू सामान्य गोटे दूत को निधन करी तू राज नियमर उल्लंघन करिचु। सुन मूर्ख एबे भी समय अछि मोर इप्सित चारि गोटी पदार्थ मते फेराई देई शरण भिक्षा कर। तोर ए दिवा स्वप्न केबे भी सफल हेबा नाही। तू गोटे छार दानव देवतांक भोग्य वस्तु उपरे लोभ करी